आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शेरिल्स किचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लखनऊ स्पेशल दावतों वाले खीरी गुर्दे और बोटी के कबाब। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आधा किलो बीफ के मीट की बोटी ले ली है, ये 1.5 इंच की है, और 250 ग्राम खीरी गुर्दे ले लिए हैं, ये भी छोटी बोटी है। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 4 टेबलस्पून पपीता का पेस्ट डाल देंगे, और 1 बड़े साइज़ की प्याज जो हमने बिना पानी के पीस लिया था वो भी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून मिर्च डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम कुछ मसाले लेते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 7 लौंगे, 6 इलायची, 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया, छोटा सा जायफल का पीस, ये 1/8 पीस है, और 1 फुल जावित्री का, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ये सारे मसाले हमें रोस्ट करके पीसना है। और 1 टेबलस्पून फुल भर के हमने बेसन ले लिया है, इसको भी हमें भून लेना है। अब हम सारे खड़े मसाले भून लेंगे तवे पे डालकर। अच्छे से चलाते हुए हम इसको भूनेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें, बस इतना कि इसमें भुनने की स्मेल आने लगे और इसका मॉइस्चर सूख जाए। अब देखिए ये मसाला हमारा भुन गया है। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको सूखा पीस लेंगे। अब उसी तवे पर हम बेसन को भून लेंगे। इसको भी हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बस अच्छी महक आने तक भून लेना है। बेसन हमारा भून चुका है, हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई कर ली है, इसको हम बिना पानी के मिक्सी में पीस लेंगे। अब हमने 1 टीस्पून खसखश और 1 टीस्पून मोटी सौंफ ले ली है, 6 काजू, 6 बादाम और 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ले लिया है, 4 टेबलस्पून दही ले लिया है हमने, अच्छे से फेंट लिया है, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के स्टिक ले लिए हैं। बड़ी इलायची का मुंह हम इस तरह से खोल देंगे। कुकर चढ़ा दिया हमने और 200 ml ऑयल चढ़ा दिया है, गरम कर लिया है। अब इसमें खड़े मसाले हम डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें मैरिनेटेड किया हुआ मीट डाल देंगे और डालकर अच्छे से इसको चलाते हुए भून लेंगे। 5 मिनट तक हमें इसी तरह इसको भून लेना है ताकि इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। अब देखिए ये भुनते भुनते 5 मिनट हो गया है। हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किया था और उसको पीस लिया था, वो मसाला हमने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और मिक्स करके लिड बंद कर देंगे। फुल फ्लेम पर 1 व्हिसल आने देंगे और 1 व्हिसल के बाद धीमी आंच कर देंगे। लो फ्लेम पर हमें 10 मिनट के लिए पकाना है।
10 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टीम में छोड़ देंगे। स्टीम जब अपने आप निकल जाएगी तब हम लेट खोल देंगे। अब देखिए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसको हम भून लेंगे, फुल फ्लेम करके हम इसको भून लेंगे। इसको भूनने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इसी बीच हम इसमें दही डाल देंगे। 4 टेबलस्पून हमने दही ले लिया है, अच्छे से फेंट लिया है, इसको हम डाल देंगे और साथ ही साथ दही को भी हम भून लेंगे। अब देखिए ये भून चुका है। हम इसमें फ्राई प्याज डाल देंगे जो हमने पीस ली थी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे और खसखस और सौंफ ली थी वो एक साथ पीस ली है पानी डाल के थोड़ा सा, वो हम इसमें डाल देंगे। डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मसाले मिक्स हो जाना चाहिए। अब ये मिक्स हो चुका है। हमने बेसन को थोड़े पानी में घोल लिया है और ये इसमें डाल देंगे। ऐसा करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे हमारी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें हम डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्चें डालें और 1/2 कप पानी डाल देंगे, क्योंकि मुझे ग्रेवी गाढ़ी लग रही थी इसलिए मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल देंगे। ये आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे। 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम लगा दिया है धीमी आंच पर। ढक्कन हमने ऊपर से रखा है, लेड लगाई नहीं थी। अब देखिए ये दम हो चुका है। हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे, हरे धनिए से गार्निश कर देंगे और स्मोकी फ्लेवर के लिए हम एक कोयला ले लेंगे कटोरी में और उसको बीच में रख देंगे। अब थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे, लगभग 1 टीस्पून, और जल्दी से इसको ढक देंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छा स्मोक इसमें आ जाए। अब इसको हम सर्व करते हैं। देखिए हमारे गलावटी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार दावतों वाले कबाब बने हैं हमारे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।